क्लास फोर के बच्चों को आज मैं कुछ प्रश्न और उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न और उत्तर इस मोबाइल पर मैं भेज रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि जिस तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरह का मॉडल कुछ प्रश्नों के आप हमें भेजिए, तो मैं भेज रहा हूँ। अब देखिए, यह है पेज नंबर 1, इसमें भी आपके कुछ प्रश्न के मॉडल हैं। अब बारी बारी से आप सारे प्रश्न, सारे पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक पेज नंबर का हो गया, अब यह दूसरा पेज है, इस दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये आपका तीसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये चौथा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये पांचवा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से इस में अभी तक मैंने 40 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। इस 40 प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। अब इसमें देखिए कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे आप इसको समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए प्रश्न क्या है, वरदराज ने पुनः क्या आरंभ किया, ये तो प्रश्न है। आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काम करना, मेहनत करना, आराम करना और पढ़ना। ये 4 ऑप्शन है परीक्षा में, आपको क ख ग घ ऐसा करके रहेगा। मैं यहाँ कॉमा में लिख करके दे रहा हूँ अल्प विराम में। अब इसको आप लोग इस तरह से प्रश्न के साथ मैं आंसर भी लिख रहा हूँ, ऊपर प्रश्न है लिखा हुआ और उसके नीचे आंसर है। जैसे धन से भी बहुमूल्य क्या है, यह प्रश्न। अब इसमें आप किताब में पढ़े होंगे, इस चैप्टर को आपने किताब में पढ़ा होगा, धन से बहुमूल्य क्या है, परोपकार है या समय है या दायित्व है या स्वास्थ्य है। तो आप जो पढ़े होंगे इस चारों में से वही आपका आंसर होगा। उसी तरह से व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है तो भाषा के चिन्ह हैं, भाषा का मूल रूप है, भाषा को सिखाने वाला शास्त्र है या भाषा का एक नाम है। तो ये भाषा को सिखाने वाला शास्त्र है, इस तरह से अब आप इसको पढ़ें।